रिजल्ट सपोर्ट की बात हो रही है, साथ देने की बात हो रही है, तो हमारे बीच 10 साल पहले एक कुछ इंसिडेंट्स हुआ था तनुश्री दत्ता के साथ, जो फिर से वो आगे मी टू कैंपेन के साथ आगे आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना आपका कि बॉलीवुड में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर क्या कुछ कहना चाहते हैं नाना पाटेकर के साथ जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है? यार मुझे लगता नहीं नाना जी ऐसा कोई काम करेंगे, और 10 साल तक आप कहाँ सो रही थी, मतलब सो भी ऐसे रही थी कि आप पता नहीं क्या हो गया है आपको, ना आप जिम जा रही थी, ना आप ठीक से खाना वाना खा रही थी, ना आप कई प्रोड्यूसर यहाँ पे आपको ढूंढ भी रहे थे, फिल्में साइन करके आप चली गई थी, और अब सडनली आप आई है और सीधा नाना पाटेकर पे आप एलिगेशन लगा रही हैं। बिग बॉस जाना होता तो आपको सलमान भाई ऐसे ही भेज देते यार, नाना जी को बिना बदनाम किए। नाना पाटेकर इज़ अ वेरी वेरी काइंड हार्टेड गाय एंड आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो एंड ही कैन नेवर डू दैट, एंड मैं नहीं मानता ये सब चीज़ों में। लेकिन इजाज भाई, प्रियंका चोपड़ा ने भी सपोर्ट किया है, फरहान अख्तर ने भी सपोर्ट किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री के वो सपोर्ट कर रहे हैं तनुश्री दत्ता की स्टेटमेंट को, तो क्या आपको क्या लगता है ये सही है या उनको और थोड़ा डिटेल के बाद कुछ ऐसे कुछ कमेंट? यार एक बात बताओ, हम कौन होते या मैं कौन होता, ये मेरा ओपिनियन था, मुझे नहीं लगता नाना पाटेकर ने ऐसा किया होगा। प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर का वो ओपिनियन है, अब ना मैं जज हूँ ना वो लोग जज है, और ना हम लॉ है, हमारे हाथ में ना लॉ है, तो हम लोग कोई होते भी नहीं है इसमें, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है नाना पाटेकर ने ऐसा नहीं किया, बाकी मर्जी है आप लोगों की, और ये सब कानून के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो नाना पाटेकर के अलावा उन्होंने गणेश आचार्य जी पर भी एलिगेशन लगाए, राज ठाकरे के ऊपर भी एलिगेशन लगाए कि गुंडे भिजवा कर उनकी कार तोड़वा दी गई, तो आपको लगता है कि मतलब उनकी तरफ से भी ये कुछ हुआ होगा? यार मैं, मेरे को ये सब पता नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ है। अब क्या है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बस वही बात है।